भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के जिला कार्यकारिणी बैठक बुधवार को गांधी चौक स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राधाचरण सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक के दौरान गिरिडीह जिला का विधिवत कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से कामेश्वर पासवान जिलाध्यक्ष पद और बबलू भारद्वाज राष्ट्रीय सचिव पद के लिए मनोनीत किए गए। बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि यह संगठन बाबा साहब के सपनों पर आधारित सक्षम अखंड को पूरा करने का काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि यह संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 86 देशों से मान्यता प्राप्त कर चुकी है। बताया गया कि यह संघ गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर सदैव अग्रसर है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने बताया कि उनके ऊपर सोसाइटी द्वारा जो विश्वास और भरोसा जताया गया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना है, इसको लेकर यह सोसाइटी लगातार काम कर रही है। कहा कि गिरिडीह जिला में कई संभावनाएं हैं जिसे एक सूत्र में बांधकर संघ को आगे बढ़ाने की दरकार है। कहा कि यह सोसाइटी पढ़ाई संबंधित कोई जात पात का भेदभाव नहीं करेगी। कहा कि जल्द ही 13 प्रखंड में संगठन का विस्तार किया जाएगा और जिले में एक मजबूत संगठन बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव रंजित रंजन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुलेश्वर बोध, जिला उपाध्यक्ष उमेश दास, हीरो दास, मोहन दास, मंतोष राणा, काशी दास, माथुर दास, टिंकू दास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है। भारतीय बुद्धि सोसाइटी महासंघ बाबा साहब के सपनों पर आधारित ये संगठन है। बाबा साहब की सपना थी बौद्धमय भारत बनाना, सक्षम भारत और अखंड भारत की जो सपना थी उस सपना को पूरा करने का कार्य भारतीय बुद्धि सोसाइटी महासंघ पूरे देश में कर रही है। हमारा महासंघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 86 देशों द्वारा मान्यता मिली हुई है। आज हम गिरिडीह जिला के विधिवत कमेटी का गठन कर रहे हैं। कामेश्वर पासवान जी जो हमारे समाज के अंतिम वर्गों से आते हैं उनको भारतीय बुद्धि सोसाइटी महासंघ गिरिडीह जिला का अध्यक्ष मनोनीत करती है, ये मैं घोषणा करता हूँ। और हमारे बगल में बैठे हुए बबलू भारद्वाज जी हैं, इनको राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया जाता है। और आग्रह की जाती है कामेश्वर पासवान जी से कि आप गिरिडीह जिला को तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित, बाबा साहब के सपनों पर आधारित बौद्धमय झारखंड और बौद्धमय भारत बनाने के संकल्प को पूरा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यह जो जिम्मेवारी जिला का दिया गया है, बाबा साहब का सपना था कि इस राष्ट्र को बौद्ध भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर ले जाना है, उस दिशा की कारवां को बढ़ाते हुए आज जो मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है मैं इनको सहर्ष स्वीकार करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि गिरिडीह जिला में असीम संभावनाएं हैं और लोग यहां बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि के काफ़ी सदस्य यहां हैं और उस सदस्य को एक सूत्र में जोड़ करके हम जिम्मेवारी को निर्वहन करेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और इसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसके बाद पूरे 13 प्रखंड है, 13 प्रखंडों में संगठन को विस्तार करते हुए और गिरिडीह जिला में एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे जिससे लोगों को, अभी जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अगर हम एक शेड्यूल कास्ट के नाते अगर टेक्निकल पढ़ाई में हमारे बच्चों को स्टाइपेंड अगर 10,000 मिलता है तो अगर वो इस संस्था से जुड़ते हैं तो जस्ट इसका 4 गुना 5 गुना उनको स्टाइपेंड प्राप्त होगा। जो 86 देश का जो संगठन है भारतीय बौद्धिक सोसाइटी महासंघ, इसके माध्यम से उनको पढ़ने लिखने में काफ़ी सुविधा हो गया। और ये जात पात की नहीं जमात की बात है
और इसमें सभी लोगों को जोड़ करके हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।